रात्रि क्लास चल रहा था 20 दिसंबर 1968 तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। सारा दिन तुम्हारी बुद्धि ये चलती है किसको धन दे में अविनाशी ज्ञान रत्नों का। तुम्हारे पास जो भी ज्ञान रत्न है जिससे तुम पदम पा भाग्यशाली बनते हो उनकी आखानी बैठ करके औरों को सुनाओ। और है तो आख्यानी ना बच्चे, लंबी चौड़ी बड़ी आख्यानी होती है। इनमें टॉपिक्स तो बहुत ही होते हैं और फिर समझाना भी है कि ये जो कहते हैं मुख्य बात ये है ना सर्वव्यापी की। इस सर्वव्यापी कहां से आया कि मैं सर्वव्यापी हूं ये कहां से सुना। पर वो निकलेगा गीता से है ना। गीता में ये अक्षर है तो ये गीता में अक्षर तो तुम वो समझेंगे ना। नहीं, बाबा से पूछा गया क्या आपने लिखा है क्या, कि खुद जब आते हैं तो बाबा से पूछा है कि बाबा ये गीता में लिखा हुआ है कि भगवान वाच में सर्वव्यापी हूं, तो क्या ये आपने लिखा है। बोला नहीं बच्चे, ये तो भक्ति मार्ग के मनुष्यों का लिखा हुआ है। ये सर्वव्यापी की मत तो मनुष्य मत की है, आधा कल्प है मनुष्य मत। और वो मनुष्य मत है ही रावण की मत। मनुष्य तो साकार ही होते हैं और ये बाप ने आकर के बोला नहीं बच्चे, कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है और मैंने समझाया है कि मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। तो हर एक जैसे बाबा समझाते हैं कंठ कर करके ये जो टॉपिक्स को ऐसे 20 25 50 जितना चाहिए निकाल सकते हैं। तो रोज वहां बैठ करके समझाए कि हमको भगवान क्या पढ़ाते हैं। हम ये मानते हैं कि भगवान एक है, उसको शिव कहा जाता है, वो है ही कल्याणकारी। और वो कैसे पढ़ाते हैं जी ना, जिसके आगे वो बैल भी रखते हैं कि शिव बाबा ने बैल पर सवारी की। ये तो वंडर है ना। परंतु शिव बाबा का रथ कौन सा, वो रथ तो मशहूर है बच्ची भागीरथ है। ओ भाग्यशाली मनुष्य जिसमें बाप की परधरा मनी, उसको कहा जाता है भागीरथ भाग्यशाली रथ। भागीरथ गंगा तो नहीं है ना। और कोई अर्थ होगा नहीं तो भागीरथी गंगा भी है ना बच्चे।
परंतु गंगा में तो नहीं इनको सवार, कोई रथ कहेंगे। 20/12/1968 की रात्रि क्लास का चौथा पेज दूसरी लाइन। नहीं, भगवान का रथ तो उनका तो रथ होता ही है, वो फिर बाप बैठ करके समझाते हैं कि बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में मैं उनमें प्रवेश करता हूं। और जो बहुत जन्म के तो हुआ पतित और पराए देश में। अच्छा, मेरे लिए कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ये पराए देश में क्यों कहते हैं? ये देश किसका है? अरे ये दस सिर वाले रावण का देश है। उनका आधा कल्प राज्य चलता है। तो ऐसे ऐसे अभी ये बात समझाते हैं तो समझते तो हो ना। उनको कहते फिर बाप क्या कहते हैं? पतित तो सभी है, जैसे बापू गांधी जी भी पतित है। कहते थे पतित को पावन करने वाले आओ, पतित पावन आओ। अच्छा, अभी वो तो सब कोई कहते हैं कि पतित पावन आओ। हम पतित हैं ही पतित पावन, परमपिता परमात्मा। ये पतित पावन कोई गंगा नदी के ऊपर तो नहीं रहती है, वो भी, अरे वो भी सिद्ध करके देगा। हाँ, शिव बाबा की जटाओं से या शंकर की जटाओं से। तो शिव और शंकर इकट्ठे कहते हैं ना, तो बोलते हैं शिव शंकर। अब तो जटाएं तो उनको हैं, उन जटाओं से ये गंगा। अरे पर जटाओं से कहां से गिरेगी? ये तो मनुष्य है ना, गंगाएं तो पहाड़ पर होती है ना। तो वो भी बैठ करके आप ही समझानी होती है कि मनुष्य तो ऐसे कहते हैं और भगवान ऐसे समझाते हैं। तो समझानी जो तुम दे देंगे अच्छी तरह से समझा हुआ, तो मनुष्य को तो अच्छा लगेगा ना। फिर सभी वो लिखेंगे भी कि हमको भगवान ने ये हैवन वगैरह वगैरह कैसे स्थापन किया। टॉपिक भी तो है ना बच्चे। तो शिव की जयंती मनानी है तो शिव की जब शिक्षा मिलती है, उनका नाम गाना है ना,
गाना है कि बच्चे ऊंचे थे ऊंचा भगवंत और ऊंचे थे ऊंचा बाप भी है, उसको भगवान भी कहते हैं और वो बाप है सभी आत्माओं का बाप। पीछे वो पढ़ाते भी हैं, पढ़ाते हैं क्योंकि वो राजयोग सिखलाते हैं, तो टीचर भी है और वो साथ में ले जाएगा। पतित पावन होगा तो जरूर पावन दुनिया में जाना ही पड़ेगा। पतित, ये जो दुनिया है वो पतित है, उसमें जो देव आत्माएं हैं वो पावन, उनका पैर कभी धरणी पर नहीं रखा जाता। ये बात भी शास्त्रों में लिखी हुई है और ये समझ में भी आता है कि देवताएं तो नई दुनिया में सतयुग में होती हैं, देवताएं यहां कलाहीन कलयुग में कहां से आवे। तो नटसेल में बाबा सुनाते हैं, सुनाते हैं ना बच्चे, तो ऐसे ऐसे ये बाबा बता देते हैं ये होगा। और ये सेमिनार बड़ा बड़ा होगा, तो विचार सागर मंथन कर करके फिर स्पीकर बनो। वो स्पीकर है ये दुनिया का समाचार वगैरह, और तुम्हारा है विश्व का समाचार सुनाना। उस समाचार में सब है कि भाई सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, अब विश्व में शांति हो रही है और ये शांति कैसे होती है, या सतयुग में लेकर के सतयुग से लेकर के कलयुग तक क्या क्या होता है। तुम बच्चियां सब सुना सकती हो, तो तुम अभी ये विचार सागर मंथन करती रहेंगे और तुमको बाप ही याद रहेंगे, तो तुम्हारी उन्नति होगी ना बच्चे। याद की यात्रा भी तुम्हारी चलती रहेगी, तो इसमें कोई दूसरी बात तो छोड़ने के लिए बाबा कहते ही नहीं है ना। मीठी रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का दिल व जान सिख और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड नाइट। मीठी मीठी सिखी रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप की नमस्ते। ये बाबा ने सुनाया, और जो बाबा ने सुनाया क्या तुम नहीं सुना सकती हो। ये बाबा तो बहुत पुरानी पुरानी बात सुनाते हैं, तो जिसकी यही लात यही तात ये सारा दिन वही ख्याल, दूसरा तो कुछ ख्याल आएगा ही नहीं। ओम शांति।